उत्तराखंड के नरसन बॉर्डर पर दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस अचानक नरसन बॉर्डर पर दुर्घटना का शिकार हो गई। बता दें कि बस टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए। वहीं पुलिस चौकी ढह जाने से चौकी पर तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया, जिसको आसपास के लोगों और राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं बस पलटने के कारण 4 यात्री घायल बताए जाए हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल में उपचार किया गया है। फिलहाल बस का चालक फरार बताया जा रहा है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट।